हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सीक्रेट वाली पेड़ा रेसिपी, जिसे आप देखते ही तुरंत बनाएंगे और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और मिनी पेड़ा बहुत ही लाजवाब बनी है और आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 125 ग्राम दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद उसी में उसी के नाप से 125 ग्राम चीनी डालेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। इसको मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें 250 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम तीन भागों में करके मिला रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से, जिसका ये जो गुठली है उसका हट जाए। दूध में मिल्क पाउडर डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और ये मिक्स हो रहा है। देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम गैस पे रखेंगे और अब हम इसको पैन को गैस पे रखेंगे लो आंच पे और इसको पकाते हुए इसको गाढ़ा करेंगे। दूध को पकाकर हम गाढ़ा कर लिए हैं और इसमें हम अब 3 स्पून नारियल का बुरादा डालेंगे और उसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसको लो आंच पे ही हम मिक्स कर रहे हैं, जिससे अच्छी तरीके से पक जाए और इसको पैन छोड़ने तक ही इसको हम चलाते हुए पकाएंगे और इसे चलाते हुए ये मिश्रण एकदम ठीक हो गया है। देखिए, अब ये पैन भी छोड़ने लगा है और इसको चलाइए। उसके बाद बंद कर दीजिए, गैस को बंद करके रख दीजिए ठंडा होए। इसी स्टेज पे उतार ले और ठंडा होने के लिए रख दे। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको छोटा छोटा मिनी साइज पेड़ा बना ले और खाएं। देखिए, बहुत ही ये टेस्टी लग रहा है खाने में भी। और बताइए कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।